I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. But the hearts नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके जिगर का छल्ला टिंकू जिया। ब्रह्मास्त्र फिल्म की वजह से देश में करेंसी का संकट पैदा हो गया है। खबर आ रही है कि अब तक इतने लोगों ने ब्रह्मास्त्र फिल्म देख ली है कि देश के सारे पैसे ही खत्म हो गए हैं। इसे देखते हुए आरबीआई ने कल शाम से दो शिफ्टों में नोट छापने शुरू कर दिए हैं। अधिक बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं रिंकू जिया का। बताइए रिंकू, कैसा काम चल रहा है? टिंकू, काम तो बिल्कुल बंद पड़ा है क्योंकि जिन लोगों ने नोट छापने थे वो तो खुद ही फिल्म देखने गए। हालत ये है कि आज भारत सरकार से ज्यादा पैसे तो ब्रह्मास्त्र के प्रोड्यूसर्स के पास हो गए। पिछले हफ्ते तो तेल भरवाने के लिए भारत सरकार को श्रीलंका से 500 रुपए उधार लेने पड़े थे। स्विस बैंक के गवर्नर ने भी स्कूटी खरीदने के लिए ब्रह्मास्त्र के प्रोड्यूसरों से कर्ज मांगा है। इस बीच ब्रह्मास्त्र की बढ़ती कमाई पर यूनाइटेड नेशंस ने चिंता जताई है। देखिए, हमारी चिंता यह है कि ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए आरबीआई अगर यूं ही नए नोट छापती रही तो अगले एक महीने में भारत के 40% पेड़ काटने पड़ेंगे, जिसके बाद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया के 50% ग्लेशियर पिघल जाएंगे, पूरे यूरोप में बाढ़ आ जाएगी, भैंसें दूध देना बंद कर देंगी। इसलिए फिल्म के प्रोड्यूसर से हम गुजारिश करते हैं कि वो आज ही फिल्म को यूट्यूब पर डालकर पूरी दुनिया को तबाह होने से बचा लें। अगर किसी किसान के खिलाफ कोई लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया हो, वो आदमी जब मर्जी मेरे से माफी मांग सकता है, मैं यहीं पे हूं, अभी काफी हूं। इस बीच ब्रह्मास्त्र फिल्म को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि इंसानों के साथ साथ एलियंस भी भारी तादाद में फिल्म देखने आ रहे हैं। कल रात तो कुछ एलियन सिर्फ फिल्म देखने के लिए ट्रेन पकड़कर अंतरिक्ष से धरती आए। ये तो पूरी जैसे ट्रेन चल रही है आसमान में। महबूबा कुल्फी हमारे साथ जुड़ी है। जी महबूबा, इससे पहले कि आप पिघल जाएं, बताइए क्या खुलासा हुआ है? टिंकू, आपको बता दूं कि लगातार इस तरह की खबरें मिल रही थी कि ब्रह्मास्त्र फिल्म में थिएटर्स खाली पड़े हैं, मगर मेकर्स का दावा था कि हाउसफुल है। थिएटर जाकर जब हमने छानबीन करी तो पता चला कि जो सीटें हमें अपनी नंगी आंखों से खाली दिख रही थी उन पर तो दूसरे ग्रहों के लोग बैठे थे। मगर महबूबा, थिएटर तो पूरा खाली दिख रहा है, हमें तो वहाँ कोई एलियन नहीं दिख रहा। गजब बात कर दी रे टिंकू। एलियन जब इतने सालों से नासा वालों को नहीं दिखे तो वो क्या तुम्हारे लड़के के सर में पड़ी जुए है जो तुम्हें दिख जाएंगी? फिल्म वाले कह रहे हैं हाउसफुल है, तो मान लो कि खाली सीटों पर एलियंस ही बैठे हैं। देखिए, हमें शुरू से पता था कि फिल्म का जिस तरह का सब्जेक्ट है, उसके VFX हैं और डायलॉग्स हैं, उससे दूसरे ग्रहों के लोग ज्यादा रिलेट करेंगे। अब तक हिंदी फिल्मों को मिडिल ईस्ट और चीन में पसंद किया जा रहा था। हमें खुशी है कि इस फिल्म से हमने दूसरे ग्रह भी एक्सप्लोर कर लिए हैं। वहीं भारी कमाई के बीच ब्रह्मास्त्र फिल्म के प्रोड्यूसर्स को बड़ा झटका लगा है। खबर है कि एक शरारती आदमी ने पूरी की पूरी ब्रह्मास्त्र फिल्म ही 10 सेकंड की बनाकर उसे इंटरनेट पर डाल दिया है। आप भी देखिए ये पूरी फिल्म सिर्फ 10 सेकंड में।